प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे जिप्सम प्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है और काफी लंबे समय से बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा। स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर आईआईडी का एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री ऑन पीओपी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पीओपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर काफी लंबे समय से, यानी कई सैकड़ों सालों से इसका उपयोग होता आ रहा है। दोस्तों, पीओपी ना सिर्फ आपकी सीलिंग और दीवारों को एक अच्छा लुक देती है, बल्कि ये उसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। इसका बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो करता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा मार्केट हमारा देश भारत है। इसके पीछे की वजह यह है कि हमारा देश भारत दिन प्रतिदिन ग्रो करता जा रहा है, जहां पर बिल्डिंग मटेरियल्स के मार्केट में काफी ज्यादा बूम देखने को मिला है। इसकी वजह यह है कि भारत लगातार ग्रो करता जा रहा है और यहां पर जो नई बिल्डिंगें हैं, जो डेवलपमेंट का काम है, जो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, सिविल वर्क की बात करें, तो काफ़ी तेजी से बढ़ा है, जिस वजह से इस मार्केट में हमें बूम देखने को मिलता है। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो एक अच्छे उद्यमी के तौर पर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप इस बिजनेस में अपना कदम रख सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आईआईटी की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपके लिए ऐसे व्यवसाय की जानकारी लेकर आए हैं जिसका उपयोग कई अलग अलग सेक्टर्स में होता है। हम बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसका उपयोग मूर्ति निर्माण और 3D वॉल पेंटिंग से लेकर स्मारकों और भवनों के सौंदर्यीकरण में भी होता है। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण में प्रयोग होने वाला जिप्सम फ्रांस की राजधानी पेरिस में बहुतायत में पाया जाता है। पीओपी सफेद रंग का सूखा प्लास्टर पाउडर है, जिसे आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मार्केट डिमांड की बात करें तो इसे आर्किटेक्चर और डेकोरेशन के अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फॉल्स सीलिंग निर्माण में उपयोग किया जाता है। साथ ही मेडिकल सेक्टर में मोल्ड और कास्ट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स में पीओपी के इस्तेमाल से आग को बढ़ने से रोका जा सकता है। बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टर ऑफ पेरिस आपकी दीवारों की, आपकी सीलिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। बेस्ट क्वालिटी के पीओपी को बनाने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी के जिप्सम्स यानी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जो आप राजस्थान के कई इलाकों से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप अभी आईआईडी से कॉन्टेक्ट करें। इसकी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जिप्सम लंप्स को माइन से ट्रक में भरकर इंडस्ट्री में लाया जाता है, जहां इसे कलेक्ट करके इनटेक बिन्स में डंप किया जाता है। यहां से इन लंप्स को क्रशिंग मशीन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, जिसे बकेट एलिवेटर की सहायता से हीटिंग फर्नेस में फीड किया जाता है। फर्नेस में इसे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक निश्चित अवधि तक बेक किया जाता है। इसके बाद क्रश्ड लंप्स को फर्नेस से निकाल कर रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। फिर इन्हें पल्वराइजर मशीन में फीड किया जाता है, जहां इन्हें रिक्वायर्ड मेश साइज के अनुसार फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वेइंग मशीन से तौल कर बैग्स में फिल कर दिया जाता है और फिर सिलाई करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। अगर आप वीडियो में दिखाए गए स्तर पर इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो लगभग 6500 से 7000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। वहीं प्रारंभिक स्तर पर आप इस व्यवसाय को लगभग 8 घंटे की शिफ्ट में 10 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ भी शुरू कर सकते हैं। पीओपी के व्यवसाय के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता होगी वो है लंप क्रशर मशीन, बकेट एलिवेटर, कन्वेयर, पल्वराइजर मशीन, बैग स्टिचिंग मशीन, वेइंग मशीन, फिलिंग मशीन और हीटिंग फर्नेस। इसके लिए करीब 60 से 70 किलोवाट का इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन भी आवश्यक होगा। आप इस व्यवसाय को लगभग 12 से 15 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर करीब 15 से 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है और इसके माध्यम से आप लगभग 15 से 20% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप ये व्यवसाय शुरू करते हैं तो कुछ लाइसेंसेस आवश्यक होंगे, जैसे GST, उद्यम, NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
व्यवसाय से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आज ही आईआईडी से संपर्क करिए। आईआईडी के मेंबर बनकर आप अपनी उद्यम यात्रा को आसान बना सकते हैं। आईआईडी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स बिजनेस प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक गाइड करती हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.iid.org.in पर। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप को डाउनलोड करके भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए,